हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मक्का का आटा को गूंदने का तरीका, कि इसको कैसे गूंथा जाता है। तो ये हमने लिया है 3 मुट्ठी आटा। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी आपको थोड़ी लूज लेनी है। तो 3 मुट्ठी आटा, इसके अंदर हमारे 3 पराठे बन जाएंगे। पराठे, रोटी, जो भी आपको बनाना हो उसके लिए हमने लिया है 3 मुट्ठी आटा। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच खाने वाला नमक डाल देंगे। सिंपल सॉल्ट जो होता है, सादा नमक, वो डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालिए, क्योंकि एक बार पतला हो जाएगा तो फिर वो उसकी कंसिस्टेंसी बह जाएगी। तो देखिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल लिया और फिर इस तरह से आप उसको गूंथते जाइए। सारे आटे को आप अच्छे से समेटते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाएंगे। ये जो आटा हम गूंथ रहे हैं, इसके आप रोटी भी बना सकते हैं। मक्का की रोटी आपने सुनी होगी, सरसों के साग के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप चाहें तो उसका पराठा भी बना सकते हैं, सिंपल पराठा। आलू फिल करके भी बना सकते हैं, उसको बनता है आलू का मक्का का पराठा, स्टफ पराठा आलू का। तो ये देखिए, इस तरह से ये बन गया है। देखिए, सॉफ्ट भी है और ज्यादा बह भी नहीं रहा है और ये सारा सिमट गया है। तो पानी आप ये ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालेंगे, बहुत ज्यादा आटा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बह जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है आटा। इस तरह से आपको बना लेना है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए अपने घर में आटे को गूंथने। और अब हम आपको आगे की वीडियोस में ये भी बनाएंगे कि मक्के की रोटी किस तरह से आप घर में बना सकते हैं और मक्के का पराठा किस तरह से, सिंपल एक पराठा विदाउट स्टफिंग कैसे बनता है, और आलू का पराठा भी आपको बनाना बताएंगे मक्के का ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।